ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र अपने फ़ोन के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, फ़ोटो वीडियो छुपाने के लिए किसी से, या कोई पैसे अर्न करने वाली एप्लीकेशन होगी थर्ड पार्टी, ठीक है। इस तरीके की जो एप्लीकेशन हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं उससे हमारा डेटा लीक हो जाता है, तो उसको डिलीट भी अनइंस्टॉल भी करने के बाद भी जो हमारा फ़ोन का डेटा है, प्राइवेसी से फ़ोटो हो गई, जीमेल हो गई, या हमारी कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गए, ये सारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है वो हमारी एक्सेस करती रहती है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको डिनाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो एप्लीकेशन है इस्तेमाल कर रहा है हमारी फ़ोटोज़ को, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे गूगल दिखेगा, इस पर गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, आपको दोबारा स्क्रॉल करना है नीचे, नीचे एक साइड दिखेगा सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, इस पर फिर क्लिक करके कनेक्टेड ऐप पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन वो है जो आपके फ़ोन को एक्सेस कर रही है, तो यहाँ पर आप किसी भी जिसको रिमूव करना चाहते हो उस पर क्लिक करके देन रिमूव कर सकते हो। ये डिलीट ऑल कनेक्शन, इस पर क्लिक करके कंफर्म कर सकते हो। इस तरीके से जो भी एप्लीकेशन आपके डेटा को यूज़ कर रही है उसे रिमूव कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो को आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।